पश्चिम बंगाल के राणाघाट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों के अंतर से अपनी जीत दर्ज करवाएंगे। जगन्नाथ सरकार चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव पूर्व किया उनका दावा सच साबित हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार से बातचीत की हमारी बंगाल ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी ने। जगन्नाथ सरकार ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। अगर दोबारा आपको एमपी बनने का मौका मिलता है तो आपको फिर विश्वास है कि जनता उतना ही भरोसा आपके ऊपर दिखाएगी? उससे ज्यादा मैं जीत पाऊंगी, मेरा विश्वास है कि जनता के साथ मैं हूँ। मैं कभी एमपी सोचते नहीं, जनता मुझे एमपी बनाया, इसलिए जनता के साथ हूँ। इसलिए अभी मेरा विश्वास 3 लाख से ज्यादा वोट से जीतूंगी, ये पूरा दम से बोल रहा हूँ। नेता लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्या पूरा होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए, उन्होंने 1.5 वर्ष पहले ही कह दिया था कि अगर पार्टी मुझ पर दोबारा विश्वास जताती है और अगर मुझे दोबारा टिकट मिलती है, लड़ने का मौका मिलता है, तो मैं इस बार जितनी वोटों से जीता हूँ उससे भी ज्यादा और भी ज्यादा विपुल वोटों से विजयी होगा। और ऐसा हुआ भी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जगन्नाथ सरकार जी, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं विपुल वोटों से विजयी होऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्ते। कई बार ऐसा होता है, हम कह तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है, और आपका कहा हुआ पूरा हुआ और आप फिर से बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से विजयी हुए। कैसे लगता था, कैसे आपको ये चीज पहले से ही आभास थी, जनता पे इतना विश्वास कैसे? देखिए, मेरे साथ जनता का कनेक्शन बहुत अच्छा है। क्यों? हर रोज मैं जनता दरबार हमारा घर में होता है, सुबह से जनता आकर मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करना। मैं बूथ से वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक स्टेप बाय स्टेप उठा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मैं एमपी चुनाव में 15 दिन में बहुत भोर से जीत गया। फिर भी एमएलए भी जीत गया, जो कभी 34 साल में नहीं हारा, फिर दूसरा बार जीतूंगा। क्यों? हर रोज मैं जनता का साथ मिलने वाला, इसलिए मेरा भरोसा है। वहाँ का मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, इसलिए सारी बूथ से जितने वार का है सभी के साथ जान परिचय, किसी को नाम पर, किसी को छवि में, चेहरा में पहचान है, इसलिए उनका प्रेम भी है। इसलिए मैं सोच लिया इस बार मैं जीतूंगा, लेकिन पूरा वोट मैं नहीं मिला। क्यों? बहुत कुछ हुआ और जो बात पार्टी को बोलूंगा, नहीं तो और भी बहुत बहुत से मैं जीत सकते। मैंने आपको विश्वास था और भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, ऐसा क्या लेकर जनता के बीच जाते हैं, क्या उनको आश्वासन देते हैं आप कि आप जीतेंगे तो क्या क्या आप करेंगे, क्या लेकर इस बार अपना गए थे, आप अपना रिपोर्ट कार्ड क्या आप जनता के बीच लेकर गए थे जो इतना विश्वास मिला? देखिए, पहले जो हमारा जो आइडियोलॉजी है ये सोचना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा जो पीएम मोदी जी देश के लिए, वो पिछले वर्ग के लिए जितने काम किया, जितना प्रोजेक्ट बनाया, वो फायदा मिला, वो फायदा जनता को समझाया। उसको बाद मेरे तरफ से एमपी लैब हो, कोई सेंट्रल प्रोजेक्ट हो, कोई जो CSR फंड लेकर जो डेवलपमेंट किया, सेंट्रल रेलवे का जो डेवलपमेंट मैं किया, ये जनता का पास लेकर हमेशा जाते हैं, उनका समझाना एक काम है। मैं ऑर्गेनाइजेशन पहले देखते था, तो अभी भी वो सभी ऑर्गेनाइज करने वाला को मिलते हैं, इसलिए उनका काम देते हैं। इसके जनता जुड़ने के फायदा इस बार मिला और कुछ नहीं। इस बार राणाघाट से जो बाई इलेक्शन हो रहा है, जहाँ मुकुट मणि अधिकारी आपके समक्ष खड़े थे टीएमसी से, अभी वो बाई इलेक्शन में फिर से एमएलए के लिए खड़े, कैसा लग रहा है ये देखकर आपको? देखिए, जो एमपी के लिए भी खड़े थे और अब फिर एमएलए के लिए खड़े हैं, ऐसा कभी नहीं होते। बेसमी जो दल है ये टीएमसी है, और जो कैंडिडेट उनका तो वो भी बेसरम है, इसलिए एक असेंबली में 37,000 में हार गया, फिर भी उनका कैंडिडेट बना दिया। ये 15 दिन पहले हुआ,
फिर भी चुनाव में हाजिर हुआ। वहां का वो विधायक था, वहां हारा एमपी में। तो अगली बार बाई इलेक्शन में क्यों खड़ा किया? अगर तो उनकी जीत का कितने आसार है, और आप बीजेपी के कैंडिडेट को किस तरह देखते हैं? देखिए, जीतते हो चुनाव कब्जा करके प्रशासन लगाकर पंचायत चुनाव में जैसा रिजल्ट किया, हारने वाला को और जीतने जीतने का सर्टिफिकेट मिल गया, तो ऐसा ओ मनसा लेकर ये चुनाव में खड़ा किया। कैंडिडेट भी इस भरोसा से ही खड़ा हुआ, लेकिन वहां का जो चलता उनका ऐसा शिक्षा देने वाला वो कभी चुनाव में खड़ा होने का हिम्मत और ना कभी देखा। ये तो हुआ कि आपको क्या क्या करना है, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी पिछड़ा है इस बार लोकसभा इलेक्शन में, और सामने ही 26 में फिर विधानसभा इलेक्शन है, तो क्या देख पा रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शन में हुआ 26 में क्या बीजेपी? देखिए, पहले तो संगठन मजबूती करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस हुआ जो हमारा क्या क्या वीक पॉइंट है ये सुधार के फिर भविष्य में कदम उठाता है। दो साल का अंदर, डेढ़ साल का बाद ही चुनाव है, इस चुनाव 200 से ज्यादा सीट टारगेट करके लड़ना चाहिए, जिताना चाहिए। तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएंगे, क्यों? जनता के भरोसा में एक गवर्नमेंट यही है, प्रशासन कब्जा करके लगाया, चुनाव में नतीजा गड़बड़ी करके नतीजा निकला, तो इसलिए एक गवर्नमेंट के हटाना ज्यादा कुछ कठिनाई बात नहीं है। संगठन मजबूती करके ये संभव हो जाएगा।